कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की जो बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बैद्यनाथ बीटा एक्स कोल्ड कैप्सूल क्या है, क्या है इसके फायदे और कोई इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है, कितने रुपए का मिलता है, क्या इसकी पैकिंग आती है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और खाने का सही तरीका क्या होता है, मतलब इसकी डोज क्या होती है, सब कुछ एक एक चीज हम आपको बारीकी से समझाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं लिख कर देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी कमजोरी लगती है, थकान लगती है, कम इच्छे की कमी रहती है, टेस्टोस्टेरोन कम है आपके, या पुरुषों को अपनी जो मर्दाना ताकत बढ़ाना है, अपनी शादीशुदा लाइफ से जो है अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीजों के इस्तेमाल में इसको कैसे लिया जाता है, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, बैद्यनाथ बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल, पैकिंग आप इसकी साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके का देखने में होता है। ये जो कैप्सूल होता है इसको बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितनी भी दवाएं इसके अंदर डली हुई होती हैं, सारी की सारी आयुर्वेदिक होती हैं, कोई भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाई नहीं होती इसके अंदर। प्राइस की बात करते हैं इसकी, तो ये 20 कैप्सूल इसके आपको 475 रुपीज में मार्केट में मिल जाते हैं। देखने में इस तरीके का होता है, जैसे कि ये साइड में देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं उसकी बात करें, मतलब क्या क्या इसके अंदर डाला हुआ है कंपनी ने, तो इसके अंदर दोस्तों कोंच बीज होता है, शुद्ध शिलाजीत होता है, सफेद मुसली होता है, इसके अलावा अश्वगंधा होता है और प्यूरिफाइड कुचला होता है, दालचीनी होता है, इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों बंग भस्म होता है, अभ्रक भस्म होता है, जायफल होता है, जावित्री होता है और अकरकरा होता है, लौंग होता है, केसर होता है, स्वाद भस्म होता है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर कंपनी ने डाले हुए हैं दोस्तों। तो अब इसके अगले पार्ट की बात करें कि इसका फायदा क्या होता है। तो इसका जो फायदा होता है, इस कैप्सूल का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, पुरुषों में आई कमजोरी थकान को दूर करता है ये कैप्सूल। किसी भी तरीके की कमजोरी है, किसी भी तरीके की थकान है आपकी बॉडी में, तो उसको दूर करता है। इसके अलावा कामेच्छा की कमी है, मतलब कोई पुरुष ऐसा है जो अपने पार्टनर के पास जाने का उसका मन नहीं करता, या जो है कुछ अच्छे से उसको फीलिंग वगैरह नहीं आती, काम इच्छा की कमी रहती है, यौन इच्छा की कमी रहती है, तो उन लोगों को भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसी पुरुष को टेस्टोस्टेरोन की कमी है, टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल हार्मोन होता है, तो उस हार्मोन्स की अगर कमी है जो पुरुषों के अंदर नेचुरली बनता है, अगर उस हार्मोन्स की कमी है तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी, मतलब पुरुषों के अंदर बांझपन की दिक्कत है, पुरुषों में बच्चा नहीं हो पा रहे हैं, उनका स्पर्म काउंट ज्यादा ही कम हो गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर पिता बनने की एबिलिटी जो है वो कम हो गई है, खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी का, बांझपन का सामना करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को भी इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पुरुषों में स्टेमिना को बढ़ाता है, ये ताकत को बढ़ाता है, इसके अलावा उनके शीघ्र पतन की समस्या को भी दूर करता है, मतलब जो पुरुष टाइम से पहले जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने पार्टनर के पास जाकर, जो शीघ्र पतन की प्रॉब्लम रहती है उनको, तो उन लोगों को भी ये कैप्सूल अच्छा वर्क करता, काम करता है। इसके अलावा उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड के प्रवाह को, खून के दौरान को, खून के प्रवाह को बढ़ाता है। ये इतने सारे फायदे दोस्तों इसके होते हैं। फायदे तो जान लिए, लेकिन खाने का तरीका और जानकर जाए इसका। वैसे तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको इसको खाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा खाते हैं तो वो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसका। तो इसको जो खाने का सही तरीका होता है दोस्तों, इसकी जो डोज होती है, ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को है, ज्यादा समस्या है, तो वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को खा सकता है, दूध या पानी के साथ, दूध के साथ खाते हैं तो और ज्यादा बेहतर रहता है। अगर हल्की प्रॉब्लम है तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, दिन में सुबह शाम खाया जा सकता, खाना खाने के बाद दूध के साथ आप ले सकते हैं। ये काम आपको, इस कैप्सूल को आपको लगभग 1.5 महीने से लगा, अगर 2 महीने तक खाना है तब आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये इसका खाने का सही तरीका होता है। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट आता है कि नहीं आता। इसके इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बताए थे शुरू में कि सारे के सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देसी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इस दवा का कोई खास साइड इफेक्ट होता नहीं है वैसे तो। फिर भी आपको कोई लगता है तो आप तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों बैद्यनाथ बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ तब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।